नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। पटना एयरपोर्ट पर लंबे समय बाद रौनक की तस्वीरें देख लीजिए। करीब 2 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया जब पटना एयरपोर्ट पर परिंदे भी पर नहीं मार रहे थे, लेकिन अब यहां यात्रियों की भीड़ लग चुकी है। सोमवार की सुबह लंबे अरसे बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान उतरा। यात्रियों से भरा यह विमान लंबे समय बाद करीब 2 घंटे लेट ही सही लेकिन पटना पहुंचा। बावजूद इसके यात्रियों के मन में खुशी साफ झलक रही थी। लंबे समय से बिहार से बाहर फंसे लोगों ने अपनी मिट्टी पर पैर रखते ही सुकून की सांस ली। सोमवार को पहुंची ये विमान मुंबई से यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी। जब से देश भर में लॉकडाउन हुआ था तब से विमान सेवाएं पूरी तरीके से बंद थी। लॉकडाउन 4 में रियायत मिलने के बाद सोमवार यानी 25 मई को विमानों ने उड़ान भरना शुरू कर दी। मुंबई से पटना पहुंचे इस विमान के यात्रियों ने घर वापसी पर राहत की सांस ली। साथ ही यह भी बताया कि उन्हें घर वापस क्यों आना पड़ा। यात्रियों के अनुसार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की ओर से व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, वहीं महाराष्ट्र की सरकारी व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही थी। लिहाजा ये लोग अपनी मिट्टी यानी बिहार आकर ही सुकून से रहना चाहते थे। यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट उतरने के बाद क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। हालात इतने हैं कोरोना को लेकर, सरकार का इंतजाम इतना अच्छा नहीं है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए आना पड़ा। सरकार के इंतजाम महाराष्ट्र मतलब मुंबई में अच्छे नहीं है। महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं फेल हो रही है कोरोना को कंट्रोल करने में। महाराष्ट्र सरकार तो फेल हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से जॉब सेक्टर चालू हो गए हैं ऐसे में फिर दोबारा रिटर्न जाना तो जरूरी ही होगा। हाँ, अभी तो हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम, हाँ, अभी कुछ दिन के बाद देखेंगे, अगर चीज़ें अगर सामान्य होंगी तो वापस लौटने का विचार करेंगे। अच्छा, और फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे या ट्रेन से भी आ सकते थे? ट्रेनें श्रमिक लोगों के लिए चलाई जा रही है, उसमें हम लोगों ने भी अप्लाई किया था पर काफ़ी देरी होने के कारण जैसे ही फ्लाइट शुरू हुआ था हमने फ्लाइट का ऑप्शन चूज किया। मतलब ये ट्रेनों का आप अप्लाई कर रहे थे लेकिन विफलता हासिल हो रही थी, तो फिर फ्लाइट की जो काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग पड़ा था थाने में। अच्छा, थाने में और कलेक्टर ऑफिस में वो हमको अप्रूवल नहीं मिल रहा था। हमने टैक्सी से भी आने का ट्राई किया पर वो अप्रूवल नहीं मिलने के कारण से हम फ्लाइट से आने। तो अभी कहाँ जाएंगे आप? आपको मतलब कोई दिशा निर्देश दिए होंगे कि आप क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे या होम क्वारंटाइन? बिहार सरकार के अनुसार तो हम होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं क्योंकि पूरे तरीके से अच्छे से जांच हुआ एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर काफ़ी प्रोसीजर्स हैं तो फॉलो किया गया सभी यात्रियों के लिए, तो अभी हम होम क्वारंटाइन किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है हराने की खुशी सबको, समस्याओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन समस्याओं का सामना करना पड़ा? एक्चुअली मुझे देखा जाए तो मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं होटल में था। अच्छा, और कुछ ऐसी समस्याएं तो होंगी जो आप घर बंद कमरे में भी फील किए होंगे? हाँ, बाहर नहीं निकल सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग है, कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं मिल रहा था, रूम में रहना पड़ता। फ्लाइट में किन किन चीज़ों का जो है आपको पालन करना पड़ा, किन किन नियमों का? सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ा। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग में क्या थे, जैसे एक सीट पे एक यात्री तो बगल वाली सीट पे कोई नहीं था? नहीं, बगल वाले पे था। बगल वाले पे था एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फ्लाइट के अंदर नहीं, बगल वाले में था। बगल वाले में था तो लमसम आपके बगल में भी लोग बैठे हुए फ्लाइट तो अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग का क्या नियम था, किस तरह से? वहाँ पे हमेशा मास्क पहन के रखना है, ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स और मास्क पहनना है, जैसे सैनिटाइज करने के लिए, हाथ सैनिटाइज करने के लिए। जैसे ही फ्लाइट से आप नीचे उतरे, जैसे एयरपोर्ट परिसर पर उतरूँ, तो यहाँ पे किन 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 नियमों से गुजरना पड़ा? यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग है बस, यही सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, और भी कुछ गाइडलाइंस? हाँ, के साथ हम लोग तो मारा गया, मोहरे ही तो मारा गया। चलिए देखेंगे, तो अगर हम बात करें, बात नहीं है, उन्होंने अच्छा कैरी किया, कैरी के हिसाब से सब कुछ सही है। सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत अच्छा किया उन्होंने। अरेंजमेंट अच्छा था, महाराष्ट्र में भी अच्छा था, बिहार सरकार का भी अच्छा था, बस मुझे प्रॉब्लम एक ही आया, जो स्टैंपिंग है वो हर एक की बॉडी पे टच हो रही है। अपार्ट फ्रॉम स्टैंपिंग, अगर कोई दूसरा वो यूज़ करते हैं, कोई दूसरा रिसोर्सेस हो, इंक हो या फिर कुछ और हो, जो एवरी बॉडी के बॉडी पर टच करे ना, तो वो बेटर रहे। मतलब एक ही स्टैंप जो है अनेक बॉडी पे टच नहीं होने चाहिए, एवरी बॉडी के साथ सारे लोगों के सेम स्टैंप यूज़ कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन बनने की चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं।
और ऐसा उसमें कुछ भी नहीं। पटना पहुंचे यात्रियों के लिए क्वारंटाइन की समस्या सामने आ रही थी, लेकिन सरकार की ओर से यात्रियों को 14 दिनों का होम क्वारंटाइन में रहने की व्यवस्था दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया। रविवार को पटना के डीएम कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र शर्मा खुद पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां उन्होंने सुविधाओं का जायजा लिया था। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।